चंपावत जनपद में बीते रोज से हो रही भारी बारिश के चलते चंपावत जनपद की लाइफलाइन माने जाने वाली टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर 106 किलोमीटर स्वाला के पास भारी मलबा आने से राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया, जिस कारण सैकड़ों वाहन और यात्री मार्ग के दोनों ओर फंसे हुए हैं। एनएच के अधिकारी जेसीबी मशीनों की मदद से मार्ग खोलने में जुट गए। जनपद में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। जनपद के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बरसात के चलते जनपद के तराई क्षेत्र टनकपुर बनबसा से होकर बहने वाली शारदा नदी भी उफान पर आ गई। बनबसा शारदा बैराज का डिस्चार्ज लेवल 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा होने के चलते भारत नेपाल को जोड़ने वाले बनबसा शारदा बैराज पुल पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया और पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जनपद के सभी अधिकारियों और विभागों को रेड अलर्ट पर रखा गया है। नवभारत समाचार टनकपुर चंपावत से अशोक सरकार की रिपोर्ट।